अगर 21 अक्टूबर का शो फ्लॉप हो गया तो लीगी क़यादत परेशान। मंसूर अली खान ने अंदर की खबर दे दी। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने खबर देते हुए कहा कि नून लीग की ख्वाहिश यही है कि नवाज शरीफ जनवरी में वजीर आजम बन जाएं, लेकिन ये सिर्फ उनकी ख्वाहिशात तक है। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने इंकशाफ किया कि मेरी नून लीग के एक सीनियर तरीन रहनुमा से बात हुई है। उनका कहना था कि नून लीग की नज़र में 21 अक्टूबर इलेक्शन डे है और मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम तर कुव्वत 21 अक्टूबर के जलसे को कामयाब करने के लिए लगा देनी है, क्योंकि लाहौर जो नून लीग का गढ़ है उसमें कम अज कम 80,000 का शो होना चाहिए, लेकिन अगर 25 से 35,000 का शो हुआ तो वो अच्छा शो नहीं कहलाएगा और नून लीग के लिए ऐसा शो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर का ज्यादा क्राउड लाहौर के बाहर से आएगा और उनको लाहौर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का एक निजाम बनाया गया है, जिसके जरिए ये लोगों को मीनारे पाकिस्तान लेकर आएंगे और अगर अच्छा शो हो गया तो उसके बाद तमाम चीजें तय हो जाएंगी, क्योंकि नून लीग ने बताना है कि देखें हमारे साथ कितनी तादाद है और ऐसा नहीं है कि हम लोग वाइप आउट हो गए हैं।